بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الاول والاخر والظاهر والباطن والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاسب حقوقهم إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال مولانا ومقتدانا علي بن الحسين زين الآبدين لو أن النبي تقدم إليهم في قتالنا كما تقدم إليهم في الوصايا بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون صلوات وقال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب وسلم किसी भी नबी ने कभी भी कुछ भी नहीं मांगा और मांगा तो अशरफुल अशरफुलंबिया ने भी हुक्म खुदावन तबारक वाल मांगा और इरशाद हुआ कि अ मेरे हबीब कह दो कि मैं तुमसे अपनी रसालत की कोई भी उजरत तलब नहीं करता मगर ये कि मेरे क़ुरबा से मबदत का जब इमाम सब्दीन आसमाम मदीने वापस पहुंचे करबला से कोफा और कोफा से शाम और शाम से करबला होकर जब मदीना वापस पहुंचे तो खुदबा इर्शाद फरमाया और उसका एक जुमला आपकी खिदमत में पेश किया लौन नबी तकद्दमा अगर रसूल सल्लाम ने इन्हें हुक्म दिया होता कि हमें कत्ल करो लौअ नबी तकदमा कमा तकद्दमा फिलना जिस तरह से हुक्म दिया था कि हमारे साथ मवासात करो मोहब्बत करो लमस दादू अलामा फ आलू तो भी इससे ज़्यादा ये जुल्म नहीं कर सकते थे कि फिर इस जुमले को बयान करें कि जिस तरह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का हुक्म दिया था इसके बरक्स अगर हम पर जुल्म का और हमारे कत्ल का हुक्म देते तो भी ये लोग इससे ज़्यादा जुल्म नहीं कर सकते थे जो मोहब्बत के हुक्म के बाद हम पर किया और वह जुमला के जो इमाम की वसीयत का जुमला है कि जो आपने अपने भाई जनाब मोहम्मद हनफ़िया के हवाले की मदीने से चलते हुए और अगर ये जुमला जहन में रहे तो हुसैनियत भी समझ में आएगी करबला भी समझ में आएगी मजलिस का हदफ भी समझ में आएगा यहाँ बैठने वाले को भी पता चलेगा क्या कहना चाहिए वहाँ बैठने वालों को भी अंदाज़ा होगा क्या सुनना चाहिए इमाम फरमाते हैं कि मैं अकड़ तकब्बर या फसाद या जुल्म के लिए मदीने से नहीं निकला बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने जद रसूल अल्लाह की उम्मत की असलाह के लिए निकला हूँ मैं चाहता हूँ कि अमर बिलमूफ़ करूँ नहीं अनलमनकर करूँ अपने जद रसूल अल्लाह और अपने वालद की सीरत पर अमल करूँ या ये समझ लें हदफ एक था असलाह उम्मत और उसके तरीके दो थे अमरबिलमारूफ नहीं अनलमनकर और जो उसके सोर्स थे वह दो थे सीरत रसूल्लाह और सीरत मौला अमिर यानी हदफ एक उसको अंजाम देने के तरीके दो उसके मेन सोर्सेज दो मुमकिन है किसी के जहन में आए कुरान जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जिक्र होगा तो कुरान ऑटोमेटिकली उन्हीं के साथ है क्योंकि कुरान का दारो मदार भी रसूल अलैहि वसल्लम की जबान मुतहर पर है अगर अंबिया को माना तो कुरान को भी मानना होगा और उनकी आल को भी मानना होगा जिसने कुरान को छोड़ा उसने आल को छोड़ा ऑटोमेटिकली जिसने आल को छोड़ा उसने कुरान को छोड़ा ऑटोमेटिकली और जिसने किसी एक को छोड़ा उसने रसूल अल्लाह को छोड़ा तो दो सोर्स पहले अंबिया और दूसरे मौला अमीर उलमोमिनलाम बगैर किसी तकल्लुफ के और तारुफ के ये जहन में रखें गो कि अपने मौजू की की जानब हम आते हैं हालात और वाकयात या पॉलिसीज़ या पोलिटिकल इशूज़ की वजह से अकायद को नहीं बदलना चाहिए अस, असल जो मौजू है वो इसके बाद हम आएंगे और बाज़ दफ़ा बाज़ मौजूद को बिल्कुल हम अलग से डिस्कस करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है क्योंकि मजलिस है इसीलिए ये और बार दफ़ा मैं कहता हूँ कि इमाम हुसैन का ये जो वसीयतनामा है एक यहां लगना चाहिए ताकि यहां बैठने वाले को पता चले कि किसका जिक्र कर रहे हैं एक यहां लगना चाहिए ताकि यहां बैठने वालों को भी पता चले कि ये इमाम हुसैन का हदफ ये था जब कहा जाता है जैदिया तो बार दफ़े हमारे सादात जैदी जो कहते हैं आप हमें कह रहे हैं नहीं जैदिया से मुराद थे वो नस्ल हजरत जैद से और उनके साथ फ़र्जंदान बाज़ इमाम हसन भी शामिल थे लेकिन जब पावर उनके पास आ गई थी कि उनको बाद में कहा जाता है आयम जैदिया और अभी यमन में वो मौजूद हैं और उन्हीं के एक फ़र्जंद हैं उन्हीं की नस्ल से हैं सैयद सैद बद्रुलद्दी अल अलौसी उनके एक बेटे तबा थे हुसैन तबातबाई अलौसी एक बेटे हैं अब्दुलमलिकवातबाई तबा अलौसी ये लोग इसमें अशरी हो चुके हैं अब। लेकिन असल जैदिया इमाम जैनद्दीन आल साम के बाद हज़रत जैद की इमामत के कायल हैं हज़रत जैद की इमामत के बाद वो नस के कायल नहीं हैं। वो कहते हैं जो भी पावरफुल होगा शर्त ये होनी चाहिए इल्म में अच्छा हो शुजात हो उसके पास और फातिमी सादात में से हो यानी जरूरीत हजरत फातिमा सलाम तो वो अगर वो जुल्म के खिलाफ उठता है तो ऑटोमेटिकली उनका इमाम हो जाता है लिहाजा जैदियों के नज़दीक क्योंकि इमाम याह्या कुछ अरसे पहले उनके खत्म हो गए थे और उसके बाद एक गैप आ गया था तो जैदियों के नज़दीक उनके अकीदे के हिसाब से ऑटोमेटिकली इमाम हम इमाम हो गए थे कुछ के नजदीक फिर वो परेशान थे जब आगा मुंतजरी का सिलेक्शन हुआ ये तो शेख आ गए ये आपको ताज्जुब होगा और कुछ उनमें से इस भी आ खामनाई को अपना इमाम मानते हैं वजह यह कि फातिमी हैं सैयद हैं शुजा हैं और खड़े हुए हैं तो ये उनका अकीदा है इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है वैसे याद रखें ये उनका अकीदा है हम कायल हैं इमामत के नस से रसूल अल्लाह हुक्म रसूल अल्लाह के ये 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 हम कायल हैं और मानते हैं लेकिन अदद अहले सुन्नत में भी यही है बारह के अलावा कोई और अदद नहीं है ये चार का भी अदद नहीं है और ये जो कहा जाता है चार खलफा राशिदीन ये एक बहुत बड़ा झूठ और धोखा है उनके नजदीक खलफा राशिदीन चार नहीं पांच है पांच हैं और पांचवें खलीफे राशिद इमाम हसन असलातलाम हैं कि जिनको झुठलाया जाता है मुआविया की वजह से जिनको छुपाया जाता है मुआविया की वजह से कहा जाता है जी आजमा नहीं हुआ किसने यजमा नहीं किया मुआविया ने तो माविया ने तो अली पे भी ईज्मा किया तो, तो माइनस करो कितने बचे चार की भी क्या जरूरत है खाम खाई का तकल्लुफ है तीन बचे और मौला अली पे तो रोजा रसूल ने भी झमानी किया था फिर जनाब उस्मान पर भी ईजमानी था तो कितने बचे तो खुलफा की तादाद जो बुखारी और मुस्लिम में बयान हुई बाकी सियासी सत्ता में बयान हुई बारह है बारह है। के अलावा कोई फिगर नहीं है याद रखें कोई फिगर नहीं है ना तेरह ना चौदह ना पंद्रह ना बीस ना पांच और ना चार ना पांच हता पांच भी नहीं है पांच उनका दावा है लेकिन जिक्र चार का करते हैं ये हमने जैदिया का जिक्र किया नस्ल हजरत जैद बाज उनके आइमा नस्ल इमाम हसन लेकिन जब देखा पॉलिटिकली कुछ हनफी साथ आ गए का कोई प्रॉब्लम नहीं है चलेगा हनफी भी चलेगी फिर देखा कि कुछ और लोग साथ आ गए उनके दिल नरम है कुछ दो तीन लोगों के लिए ये भी चलेंगे कुछ ना कहो तुम भी खामोश हो जाओ नतीजा क्या हुआ ख़त्म हो गया तो कभी भी पॉलिटिक्स में आने के बाद नजरियात को नहीं बदलना चाहिए और इतफाक से यही काम हमारे उलमा महाराजे ने किया और कल हमने तोज्जो दिलाई कि अगर इस चीज को देखना हो तो ये वाला काम इमाम खुमैनी रजवान ला तसीतनामे के जो शुरू के दे पे जो उसमें क्लियर कर दिया था ताकि कोई किसी कस्म का प्रॉब्लम ना हो वाजह कर दिया था कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं वजह क्या है कि जब इंसान पॉलिटिक्स में आता है तो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली उसमें एक फ्लेक्सीबिलिटी पैदा होने लगती है इसको भी साथ में ला लो कोई बात नहीं छुपा दो इसको भी साथ में ला लो कोई बात नहीं छुपा दो अभी अगर आपसे पूछा जाए आप यहाँ कनाडा के हाकिम हो जाएं, मैं कनाडा का हाकिम हो जाऊं, अभी अगर हमारी दोस्ती हो जाए मोहम्मद बिन सलमान से कहेंगे चलो जी खशोक का मसला छोड़ो छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे अभी अच्छा हो गया है यानी अच्छा हो गया है कोई सजा नहीं होगी तो ये होते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम अगर वो सियासी हैं तो उनको टॉलरेट किया जा सकता है अगर अकीदती हैं तो नहीं किया जा सकता अगर अक़ीदती इंसान ने एक ज़रा सा इनहराफ किया कि कल शायद हमने मिसाल दी थी बल्कि या नहीं दी थी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कोई भी एंगल हो कोई कितनी भी डिग्री का जब एक पॉइंट डिवाइड होता है और उससे क्या बनता है एक एंगल बनता है कोई भी अब ये जब डिवाइड होता है तो एक मिलीमीटर के भी हजार में लाख में से शुरू होता है जो हमें नजर नहीं आता नजर कब आता है जब वो थोड़ा बड़ा होता है अब अगर एक ये एंगल आप तस्वुर करें तो इसमें इसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा लेकिन जब ये लाइन और ये लाइन एक करोड़ माइल की हो जाएगी तो फर्क हो जाएगा इस वजह से कहा जाता है कि दीमनी मामलात में जैसे ही इनहराफ नजर आए ठग से हमला करो फॉरन टोको क्योंकि अगर यहां पर टॉलरेट किया तो फिर यह पुख्ता होता चला जाएगा और हर नजरिया जो है वो मल्टीप्लाई होता है या बालफाज दीगर वो सलीस का जाए मजाक में तो बच्चा देता है हमने हमेशा हर गलत नजरिए को टोका गालियां पड़ी पड़े तो गाली से क्या होता कुछ होता मोलाली से ज्यादा तो नहीं पड़ी हम पे मिसाल के तौर पर कहा जा रहा था जहूर हमने कहा कि ना इस जहूर का नतीजा यह निकलेगा कि बाप होने का इनकार हो जाएगा ऑटोमेटिकली मां बाप नहीं रहेंगे फिर यानी अगर इमाम हसन का जहूर हुआ आसमान से तो कोई माँ है उनकी वालदा है कोई कोई वालिद हैं उनके नहीं कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले ज़हूर का तो कर ले। लेकिन हमें क्लियर करना होगा कि जहूर से वो मुराद न लेना कि उनका नजूल हुआ है या अलग से कहीं से आए हैं ना 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 वालिद भी हैं वालदा भी हैं अगर ये जरा सा आगे बढ़ा तो इसका अगला स्टेप क्या होगा कि ये तो बिल्कुल एक अलग वजूद है, मुकदस है ना माँ की जरूरत है ना बाप की जरूरत है तो इनकार किसका होगा फिर हम हसन इबिन अली नहीं कहेंगे फिर हम सिर्फ क्या कहेंगे हसन अबिन तो है ही नहीं किसी के वालदा कौन है वालदा भी नहीं है लेकिन मुमकिन है अगले मरहले में कह दे माजअल्ला माजल्ला वो तो अल्लाह के फर्जन हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक ये चीज जो है वो तदरीजन मल्टीप्लाई होती चली जाएगी इनहराफ होता चला जाएगा आज अगर इस छोटे से पौधे को उखाड़ के नहीं फेंका तो फिर जब यह तनावर दरख्त बन जाता है तो फिर जो है वह कुरहाड़ियों से कटता है जड़ें नहीं खत्म होती तो यही वजह है कि हमेशा कहा जाता है कि अगर कहीं फितना नज़र आए या बिदत नज़र आए तो की जिम्मेदारी है कि उसकी मुखालफत करें और अगर मुखालफत नहीं करेंगे व इलाम लानत ला। अल्लाह की लानत है उन पर यह जिम्मेदारी है याद रखें लेकिन हमारे यहाँ उलमा को अच्छा समझा जाता है कि हम बचपन से सुनते थे तफ़ात उस पर हंसते थे बाज़ दफ़ा कि ये आलिम बहुत अच्छे हैं कभी किसी के मामले में कुछ नहीं कहते अंबिया वाहन ऐसे थे याद रखें कि अंबिया अपने माशरे की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते थे हर एतबार से इल्म के ए से शक्ल के एतबार से सूरत के एतबार से खानदान के एतबार से हर एतबार से हर एतबार से बचपन से लेकर ऐलान नबूत तक बेहतरीन पर्सनलिटी के मालिक होते थे सादक और अमीन लोग कह रहे हैं अशरफुलंबिया को ये एक दिन में मुखालिफ क्यों जाते थे लोग वजह यह थी कि जैसे ही आकर वो बेहुक्म खुदा मंद तबारक वाली उनके नज़रियात से टकराते थे तो वो फिर साद और अमीन नहीं रहते थे वो फिर हज़रत याहिया की तरह या हज़रत जखर्रिया की तरह पाक और पाकिजानी रहते थे फिर उनकी सज़ा ये होती थी कि मार दो और काट दो क्योंकि अम्बिया और अम्मा का और अगले मरहले में उलमा का काम ही यही है कि सही बात को फैलाएं और गलत बात को रोकें और इमाम हुसैन का हदफ इन नमश तोलब इसमत जद्दी रसूल और मुनकर इसला नहीं अनुल मुनकर के जरिए से सोर्स ऑफ इसलाम्मत रसूल्ला सल्ला वसलम और नफसे रसूल्ला मौलामी सलवा पढ़े बर महम्मद वाले मोहम्मद अब इसमें जहन में रखें कि जब मिलता है इंसान तो खुद ब खुद एक मुरब्बत आ जाती है इसी वजह से कहा जाता है कि इंसान मिले बात करे सबसे मिले लेकिन उसके बाद वाज़े कहे कि इत्तेहाद पॉलिटिकली है इतिहाद दो अदियान को मिला के तीसरा दीन नहीं बनाना है दो सेक्स को या मजाहब को मिलाकर हमारे लोग कहते हैं मजहब इस्लाम यह जुमला गलत है दीन इस्लाम मजहब शिया मजहब सुन्नी दीन मसीहियत मजहब कैथोलिक मजहब प्रोटेस्टेंट मजहब मजहब मॉरमिन को वो लोग कंसीडर नहीं करते हैं दीन यहूदी, मजहब हैसडिक मसलन तो दो मजहब मिला के तीसरा मजहब नहीं बनाना है दो दीन मिला के तीसरा दीन नहीं बनाना है और बयक वक्त हमें दो तीन मजहब को और दो तीन अधान को मान के प्लूरलिज्म को शुरू नहीं करना है सरात मुस्तकीम एक है इन दीना इंद्लाम हजरत आदम से लेके हजरत खातम तक अब यहां पर यह कह सकते हैं लकुम दीन वली दिन लेकिन ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा दिन मेरा दीन तुम्हारा दीन प्लस मेरा दिन नतीजा एक नया मुरबा दिन ना, ऐसा कुछ नहीं है लकुम दिनों को वली दिन सही है तुम्हारा दिन मेरा दिन मिला के नया दिन बनाए यह नहीं होगा यही वजह है कि अशरफुल अंबिया ने जब ऐलान किया तो उनके लिए एक अल्लाह को मानना प्रॉब्लम नहीं था जो जगह भी नहीं घेर रहा जिसके आगे आपने मिठाई भी नहीं रखनी जिसके आगे आपको कुर्बानी भी नहीं करनी जिसके जो जगह भी नहीं घेर रहा उनके बुत इधर से उधर नहीं हो रहे थे अल्लाह को मानने से ना रसूल अल्लाह को जगह मांग रहे थे कि अच्छी वाली जगह दे दो उनका सारा प्रॉब्लम जो था वो ला इलाह में था सारा प्रॉब्लम था ला इलाह में उनका प्रॉब्लम अल्लाह में नहीं था कह देते चलो जहां एक सही है ये भी सही इसके खुदा का प्रॉब्लम क्या है नजर आ नहीं रहा कुर्बानी करनी नहीं है भारी नहीं है हल्का नहीं है जगह ले नहीं रहा ये, ये भी नहीं कह रहे कि अच्छी वाली जगह हमें दे दो होगा होगा जाना किसने इनके खुदा के पास नजर आएगा तो कोई जाएगा हमारा सोना भी कम नहीं होगा हमारी मिठाई भी कम नहीं होगी कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको अल्लाह से याद रखें सारा प्रॉब्लम जो था जिसकी वजह से अशरफुल्लम्बिया से जंग हुई जिसकी वजह से अशरफुल्म्बिया की तकजीब हुई जरिं झुटलाया गया जिसकी वजह से अशरफुलम्बिया पर जुल्म हुआ जिसकी वजह से हज़रत अशरफुलंबिया पर पथराव हुआ वो ला इलाह था इला वाला मसला नहीं था याद रखें हमारे साथ भी जो मसला है वो अहम यही है कि हमें यह बताना है दुनिया को कि फ़्र और मूसा को हम एक लेवल पर नहीं ला सकते हम काबिल को और हाबिल को और जनाब शीस को या जनाब हाबिल अल्लाउल को काबिल के साथ एक लेवल पर नहीं ला सकते हम अबू सूफिया को और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सल्लाम को एक लेवल पर नहीं ला सकते अबू सूफियान को और अबू तालिब को एक लेवल पर नहीं ला सकते इसी तरीके से हम और अफ़राद को भी आयमलम के लेवल पर नहीं ला सकते ये जो लेवल पे ना लाना है ये जलन या बोस या हसफ की वजह से नहीं है इसके पीछे वही ही है कि हमें दूसरा अल्लाह नहीं मानना है हमें दूसरा नबी नहीं मानना है हमें कोई जलन नहीं है किसी भी नबी से जो कन्फ्यूशस का हो या जैन का हो या बुधा हो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है राम से या लक्ष्मण से अगर वो मानते हैं लकुम दीनाकुम वलिया दीन प्रॉब्लम जब होगा कि जब वो हमें इंसिस्ट करें कि इनको मानना है या बराबर मानना है हम उस माशरे में रहते हैं कि हम पर अहलबैत के अलावा गैर अहलबैत को मुसलत किया जाता ये है ये प्रॉब्लम है वही हमें कंफ्यूशन से प्रॉब्लम हुआ जैन से प्रॉब्लम हुआ बुधा से प्रॉब्लम हुआ राम से हुआ लक्ष्मण से हुआ सीता से हुआ हमको तो नहीं हुआ कुछ अब यह तस्वर करें कि इंडिया में भी यह कानून अगर पास हो जाए कि जो पाकिस्तान में बिल आया पंजाब में कि आप गाय को गाय नहीं कहेंगे गाओ माता कहेंगे और उसका पेशाब भी पिएंगे मुसलमान तो क्या आप रेजिस्टेंस करेंगे और अगर इंडिया में यह कानून पास हो जाए कि राम के साथ भगवान लगाएंगे तो फिर आपका क्या तासुर होगा वही तासुर नहीं होगा जो हमारा है और अगर कैनेडा में आपके लिए लॉ बन जाए कि आप मिर्जा गुलाम अहमद को हजरत गुलाम अहमद नबी उल्ला रसूल कहेंगे तो आप रजिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे आप आखिर में कहेंगे लकुम और कुम्बली कम से कम हमें नहीं छेड़ो अगर इंडिया में आपसे कहा जाए कि जो एक अजीब और गरीब चीज होती है उसको जाके आप सर्च कर सकते हैं शिव जी का लिन मुसलमानों से कहा जाए तुम्हारी औरतें भी आके इस पर दूध डालें और फिर इसको चूमें तो तुम करोगे नहीं करोगे ना तो हमारा जो रेजिस्टेंस है ये जो शिया हक को बयान करते हैं वजह यह है कि सदियों से हमें कत्ल किया जा रहा है कि यह करो हम ये लॉजिकली जवाब देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते वो ये कह रहे हैं कि मानो हम ये बता रहे हैं कि भाई नहीं मान सकते अब ये जहन में रखें कि जो इंडिया के हालात हो रहे हैं मोदी के वो तो बिल्कुल गलत हैं। लेकिन बाकी तमाम फिरकों को जान लेना चाहिए कि मोदी जो है बहुत ही छोटी चीज है हम तुम्हारे बहुत बड़े बड़े मोदी निगल चुके हैं जो मसाइल मोदी इस वक्त क्रिएट कर रहा है इंडिया में ऐसे मसाइल हम अशरफ उलंबिया के पास से लेके आज तक देख रहे हैं बड़े बड़े मोदियों से रहे हैं। ये मोदी इसकी हम तारीफ नहीं कर रहे लेकिन यह एक इम्तिहान है दीगर फिर इस्लामी के लिए यह आरएसएस जो है ये वो इस सलफियत और वहाबियत की झलक है आर एस एस या जो दूसरी पार्टीज है या वही बनोमैया बनोमैया उनको झेल के दिखाओ जरा अगर ये तुमसे कह दें कि सुबह जो है तुम्हें तो तराने के बजाय जो है वो मिसाल के तौर पे फलाना भजन गाना पड़ेगा दफन की जगह तुम्हें तो जलाना पड़ेगा क्या हाल होगा तुम्हारा ये वाला प्रेशर हम चौदह साल से बर्दाश्त कर रहे हैं और ये बर्दाश्त कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारा नंबर आगे बढ़ रहा है आपके ऊपर अभी एक छोटा सा स्मॉल साइज किंग साइज नहीं है ये स्मॉल साइज मोदी आया है इसको हम जर्रा बराबर भी जो है वो इसकी ताइद नहीं करते लेकिन ये तमाम मजाहब इस्लामी खसूस जो इंडिया में है उनकी आंख खोलने के लिए काफी है और इंडिया के दौबंद और बरेलवी के उलमा को पाकिस्तान के इन मौलवियों को समझाना चाहिए कि जो चीज चुम तुम पाकिस्तान में शीयों से चाह रहे हो कहीं ऐसा ना हो कि यही चीज आर एस एस और ये दीगर जमातें तमाम मुसलमानों से खसूस अहल सुन्नत से इंडिया में अगर चाहें तो बहुत बुरा होगा गो के हम उसकी भी मुखालफत करेंगे क्योंकि ऐसी जगह हम कायल हैं अपने लिए भी दूसरों के लिए भी लकुम दीनकुम वली दीन सलवाद पुणे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद तो कभी भी किसी भी इतिहाद के लिए नज़रियात को तो कुर्बान नहीं करना चाहिए ये कहा जा सकता है कि वह तुम भी खामोश मैं भी खामोश मसलन मेरा डिस्कशन होता था बाज़ जुडाइज़म वालों से उन्होंने मुझे कहा कि एक आध फलानी तकरीब है आप उसमें आएंगे मैंने कहा कि मैं आऊँगा बेशर्त यह कि कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी क्योंकि हमारी आपकी बात है सिर्फ तौरा की हद तक तौरा से अगर आप निकलेंगे तो फिर मामला खराब होगा हमने कहा ये हमारी हदूद है आप हमें बताएं हम आपको बताएं हमारा डिस्कशन चलता था तकरीबन हफ्ते में दो दफा जो हुआ विटनेस वालों के साथ हमने कहा था कि वो हमसे मामे जमान के बारे में डिस्कशन करते थे और साइन ऑफ देयरिपेरेंस के बारे में क्योंकि वो लोग इसके कायल हैं कि ये दुनिया यही दुनिया जन्नत बनेगी हम उनको बताते थे, थे वह हमें हम कहते इससे आगे नहीं कोई बदनज़मी नहीं एक चीज इंसान कर ले अब हमारे दोस्त बन जाए तो हम कहें कि हाँ जो आप कह रहे हैं वो सही है ये नहीं हो सकता आपको ताज्जुब होगा जो हुआ विटनेस वाले तकरीबन हमारे हफ्ते में दो दिन उनके से डिस्कशन रहता था बहुत खुश होते थे एक दफा मदर डे थी यानी मुझे खुद ताज्जुब हुआ मदर डे की रात को इतफाक से हम गए और बच्चों ने हमारे मदर डे का केक ले लिया रात ज़्यादा हो गई थी किसी ने भी नहीं खाया सुबह ग्यारह बजे वो लोग आए मेरा तरीक़ा ये था बहुत सारी चीज़ें रखता था चिप्स बिस्किट ये वो सिर्फ इसलिए कि ये इनके यहाँ होता ही नहीं था मैं जितनी मीटिंगों में गया आज तक मुझे कभी चाय भी नहीं मिली <laughs> कभी चाय नहीं मिली लेकिन हमने उसके बरस करके दिखाया आपको ताज्जुब होगा जब मैंने वो केक रख दिया उन्होंने वाजे कहा कि नो वी कैन नॉट टच इट होगा ना हम नहीं खाएंगे हर डे जो है मदर डे है और यहां पर जो ये है यह पेगंस का था यहां पर जो है मदर गॉड के नाम से है ये देव एक देवता के लिए है ये हम इसे नहीं खाएंगे इतनी दोस्ती के बाद उसने वहाँ छुए नहीं हो छुएंगे मनीस इसको यह होता है कि वो अपने उस पर अमल करें हम उस पर अमल करें मॉर्मिन के हफ्ते में दो दफा लड़के आते थे हमारे आप जानते हैं मॉर्मिन दो-दो तीन-तीन लड़के साइकिलों पे घूमते हैं ब्लैक कोट पहने उनके सामने हमने चाय रख दी वो चाय नहीं पीते शराब नहीं पीते कॉफी नहीं पीते पता आपको मैंने एक दफा चाय बना दी उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है मैंने कॉफी फिर मैं उनके लिए अलग चीजें बनाता था, था एक दफा वो लोग आए तो हमने उनके सामने शरबत रखा पाकोला का ग्रीन मजाक की हमारी आदत है मैंने कहा कि क्या है मैंने कहा वो है मतलब हराम चीज हमारे भी हराम में नाम ले वो है आ, नो 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 मैंने कोई नहीं देख रहा पी लो आ, नो 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 तो खैर मैंने बताया कि नहीं नहीं ये शरबत है हमारे यहाँ भी हराम है बड़े हदसे उन्होंने पी लिया अगली दफा एक लड़का आया दूसरा नया वाला था फिर मैं वही लाया पकोला का मैंने कहा पी लो इस दफ़ा उसको पता था उसको नहीं पता था उसने कहा ये क्या है तो उसने कहा वो है वो भी मजाक करने लगा कहना नो 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 तुम क्यों पी रहे हो कहना कौन देख रहा है पी लो थोड़ा सा यानी इतने पक्के इसे कहा जाता है लकुम दीन वकुम वली हमारे साथ वो चाय पीने को तैयार नहीं है हमारे साथ वो कॉफ़ी पीने को तैयार नहीं है हमारे साथ वो कोई नेकोटीन की चीज इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है हम नाराज हो जाए ना बड़ी अच्छी बात है मैं गया पंजा साहब सिखों के पास वहां पर डिस्कशन चल रहा था उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब मेरे सामने सा, सामने रखी तो यकीन जाने मैंने हाथ लगाने से पहले पूछा मैं हाथ लगा लूं यानी मुझे शक था कि मैं नजर ना वो मुमकिन है मुझे नजर समझ रहा हो उसका हक है कहने लगे लगा लें लगा लें मैंने कहा अगर कोई मसला है तो कोई बात नहीं है चलिए नहीं लगा लें कोई बात नहीं ये वो चीज़ है जैसे कहा जाता है लकुमदीन अकुम वली दीन ना वो हमारे लिए अपना कानून छोड़े ना हम उसके लिए अपना कानून छोड़ें वो हमारे प्रॉब्लम्स को समझे हम उसके प्रॉब्लम्स को समझें हम उसके यहाँ जाएं और वो हमें कहे कि जी ये झटके का गोश्त है आप नहीं खाते कोई बात नहीं वो हमारे यहाँ आए और कहे कि हम जबिया नहीं खाते तो मैं भी उससे इंसिस्ट ना करूँ कि जबिया खाओ उनकी एक अलग लॉजिक है हमारी एक अलग लॉजिक है ना उन्हें हम फोर्स कर सकते हैं ना वो हमें फ़ोर्स कर सकते हैं सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद जियारत के मौजू से पहले याद रखें कि हमारे यहाँ उमूमन जियारतों से पहले जो असल मौजू है जो डिस्कस होना चाहिए और वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि जियारत को आमतौर तो पर वहाबी हजरात जो है वो कुफ्र और शिरक का नाम दे देते हैं लेकिन हमारे यहाँ हर जियारत से पहले अल्लाह सुबहाना का जिक्र है और सबसे अहम चीज ये कि नबी या इमाम को हम मानते ही इसीलिए हैं कि वो अल्लाह के नुमाइंदे हैं और अल्लाह की मोरफी कराई है अल्लाह को पहचानवाया है दुआ हो या जियारत हो हमारा असल मौजू है जियारत अब अगर दुआ और ज्यारत के बारे में एक मुख्तसर तरीन इंट्रोडक्शन कराया जाए मुख्तसर तरीन बात की जाए तो कहा जाए दुआ और ज्यारत के माना है दुआ के माना है अल्लाह से कांटेक्ट, जीारत के माना है मलाइका से अब मुमकिन है बताओ जो वो मलाइका की भी ज्यारत है अम्बिया से और आइम्सम से और बाकी औलियाए खुदा से एक कांटेक्ट। इस कांटेक्ट में कितनी देर लगती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। यहाँ आपने तसव्वुर किया इमाम हुसैन को और दिल में ही आपने कहा अस्सलाम ये आपका कांटेक्ट हो गया वो कुछ नहीं गया हमारा सलाम जैसा भी हो जाहिर है हम परफेक्ट नहीं है लेकिन वहां से जो जवाब आएगा ये हम पर वाजिब नहीं था याद रखें ये यह असलाम या अबा अब्दुल्ला या इमाम हुसैन आप पर सलाम हो या ओ हुसैन सलाम ऑन यू ये खुद एक जियारत है ये वाजिब नहीं है हम किसी काम के नहीं हमारे सलाम की कोई हैसियत नहीं ना ये वाजिब लेकिन इमाम हुसैन पर जवाब देना वाजिब है उन पर जवाब देना वाजिब है और उनका ये जवाब हम पर एक नूरानियत तारी करेगा अब ये और बात है कि उस नूरानियत को कितनी देर के लिए हम ऑब्जर्व करते हैं और किस वक्त हम ज़ाया कर देते हैं ये डिपेंड करता है कि वहां से पूरा एक नूर का तूफान आ रहा है लेकिन हमारे पास जो जर्फ है यानी जो बर्तन है वो है कितना बड़ा आप एक बहुत बड़े हौज में बारिश का पानी जमा करें और एक छोटे से प्याले में लेके ऐसे जमा करें तेज बारिश भी हो रही हो तो उससे आपकी प्यास नहीं भुज सकती बहुत शदीद बारिश में भी अगर इसमें आप ऐसे जमा करें प्यास नहीं बुझती क्योंकि तेजी से आता है टकरा के चला जाता है इसे कहते हैं जरफिया जरफिया से क्या मुराद है हम में सराइय ही नहीं थी बारिश हुई मट्टी में वो जरखेज़ हो गई बारिश हुई चट्टान पर वो जरखेज तो हो क्या होती वो जो थोड़ी बहुत गर्द थी कि शायद कुछ उग जाता वो भी बह गया यानी अगर एक चट्टान पे गर्द जमा होती चली जाए होती चली जाए होती चली जाए फिर वहां पर एक आप बीज डाल दें तो वो बीज उस गर्द को पकड़ लेगा फिर उसके बाद हल्के 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 और उसमें गर्द पड़ती चली जाएगी फिर आप देखेंगे चट्टान में एक पौधा लग गया लेकिन अगर वहां तेज बारिश पहले ही हो जाती तो वो चटान और साफ हो जाती वो रही सही जमीन जिसमें इम्कान था एक बीज के उगने का वो खत्म हो जाता बस वो जो चट्टान है वो हम हैं वहां नूर की बारिश हो रही है यहां हम जो है वो असर ही नहीं ले रहे वो जो बर्तन है हमारा इतना मुख्तसर है वहां से जवाब आता है यहां से जो है वो सब सुराख में से निकल जाता है छलनी लेके बैठे हम बारिश आई और चली गई तो याद रखें कि वहां से तो आ रहा है सारा प्रॉब्लम जो है वह हमारी जानब से है इसी तरीके से जहन में रखें पहली हम अब्तदा हम करते हैं दुआ से दुआ के बारे में याद रखें दुआ क्या चीज है अल्लाह सुबहान मताल से कॉन्टेक्ट लेकिन याद रखें जब हम कहते हैं कि मामे जमान से हमने इस वक्त कॉन्टेक्ट किया मिसाल के तौर पर हमने उर्दू में कहा इमाम ज़मान आप पे सलाम हो असलम का यह साहब ज़मान अरबी में कह दिया मसलन तो ये कांटेक्ट हो गया वहाँ से जवाब भी आ रहा है लेकिन हाँ इस कांटेक्ट के कतन वो मुराद नहीं है कि हमारी उनसे मुलाकात होती है हम उनसे मसाइल पूछते हैं वो हमें सिखाते हैं ना, ना ना ये अगर कोई दावा करता है तो ये मजम्मत वाला है वो कभी कभी मुलाकात हो जाती है वो बिल्कुल अलग टॉपिक है की मुलाकात हुई है कभी कभी ये नहीं कि जब होता है बात की वो आ गए बता दिया फिर कोई आलिम कह के ये जो मैं कह रहा हूँ मुझे इमाम ने कहा है इसकी इजाज़त नहीं है इतफाक से कहीं मुलाकात हो गई इतफाक से कहीं दीदार हो गया दीदार के वक्त भी ना पहचाने वो 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 डिस्कस नहीं कर रहे हैं कॉन्टैक्ट से मुराद हमारा रूहानी कॉन्टैक्ट या हमने कहा या अल्लाह ये हमारा कॉन्टैक्ट हो गया या हमने कहा या रसूल अल्लाह यह हमारा कॉन्टैक्ट हो गया असलामैल का यह नबी अल्ला हमारा कॉन्टैक्ट हो गया इस कॉन्टेक्ट की बात हो रही है सबसे पहले जहन में रखें कि अल्लाह रहमान और रहीम है आप में से कौन ऐसा है कि जो अगर मुझे गालियां भी दे सही और मैं उसके बाद जो है आप माफी मांगें और आप कहेंगे जी मैं पाँव पकड़ लूंगा मुझे माफ कर दो तो कोई ऐसा है आप में से जो एक दूसरे को माफ ना करे अल्लाह याद रखें सुबहान्ल तब सब सबसे कोई हमारा मुकायसा ही नहीं है वो रहमान रहीम है मामला सिर्फ इतना है कि वहां पलट के जाना है पलट के चले गए मामला हल हो गया एक बात की जाने में तोज्जो दिलाता हूं कि दुनिया में जो हम लोगों ने अदालतें लगाई हुई हैं वो इस हद तक सही हैं कि मिसाल के तौर पर एक फासिक के पीछे नमाज नहीं हो सकती सही लेकिन या एक फासिक की गवाही कबूल नहीं हो सकती यह एक अलग मौसू है लेकिन हम यह तस्वुर करें कि मसलन मैं नमाज शब पढ़ता हूं और मैं ऐसा हूं और मैं वैसा हूं मैं बड़ा अजादार हूं बस मैं जन्नत में हूँगा ये जो इस वक्त फर्ज करें गाने वाला है या जहन्नम में होगा ये ऐसी कोई गारंटी नहीं है ये जो यहाँ पर सैयद शहरियार रजा आपदी बैठे हैं और वो जो इस वक्त बॉलीवुड के अंदर एक कोई मोमिन नाच रहा है या गा रहा है उसके बारे में कहा जाए वो जहन्नम में जाएगा बम्बई से डायरेक्ट और ये फ़र्ज करें नजफ़ में बैठा है जन्नत में जाएगा डायरेक्ट ऐसा कुछ मामला नहीं है मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ इस वजह से माना क्या है इसके हमें यह कहना चाहिए अल्लाह का शुक्र है अल्लाह नेम दिया अल्लाह का शुक्र है हम वाजिबात पर अमल कर रहे हैं अल्लाह का शुक्र है।, है हम हराम से बचें उसके लिए क्या दुआ करनी चाहिए या अल्लाह तो उसको हिदायत दे कैसी दुआ करनी चाहिए हम में से किसी का बेटा अगर गाने वाला हो फास्फाजर हो तो उसको उससे नफरत करेंगे दुआ करेंगे बस वो जो दूसरा मोमिन है उसके लिए दुआ करें नफ़त मोमिन के लिए दीगर इंसानों के लिए भी अल्लाह तो इनको अच्छा बना दे अल्लाह तो इनको अच्छा मुसलमान बना अच्छा मोमिन बना अहल बैत का चाहने वाला बना बिल्कुल वैसे जैसे अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं हाँ काम की मजम्मत करें यह काम गलत है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि आखिर वक्त में मैं मुसलमान जाऊंगा और वह आखिर वक्त में काफिर जाएगा मुमकिन है क्या हो अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे एक नुकसान गुनाहगार को नेक बना देता है एक मौत गुनाहगार को नेक बना देती है वही मौत नेक को अल्लाह का बागी बना देती है एक झटका लगता है इंसान कहता है कि अल्लाह जाले में अल्लाह माजअल्ला अल्लाह एक झटका लगता है गुनाहगार कहता है कि यार अब अल्लाह की जाने पलटी आओ तो पता चला एक झटका लगा गुनाहगार इधर आ गया एक झटका लगा दीनदार उधर चला गया यही मामला होगा जहूर से पहले गरबाल चलेगी इधर वाले उधर चले जाएंगे उधर वाले इधर आ जाएंगे हम अगर अच्छे हैं तो दुआ करें कि अल्लाह तू हमें अच्छा रख और अगर कोई बुरा है खसूस अहल वैत का चाहने वाला उसके लिए दुआ करें कि याल्लाह तू इसकी हिदायत फरमा जित कितना ही गुनाहार क्यों ना हो खुद हमारी रवे याद रखें कोई एक्टर हो एक्ट्रेस हो सिंगर हो जो हो जो भी एहलैत का चाहने वाला होता है हम तो उसके लिए लिफात पढ़ते हैं ये बात आपको हम यहाँ से बता दें क्योंकि नहीं चाहिए हमने दर्जनों दफ़ा जो है वो जब जमात पढ़ानी हुई क्योंकि जमात में बाज़ दफ़ा होता है अपनी पढ़ चुके हैं किसी और की पढ़ानी है तो फिर किसी की कज़ा नमाज पढ़ दें हमने दर्जनों दफ़ा जो है बाद गुना गारशियों की हत्या एक्टरों एक्ट्रेसों की जानब से क़ज़ो नमाजें पढ़ कोई हर्ज नहीं है वजह क्या है हमारा इनका एक रिश्ता है खुदा का रसूल अल्लाह का अहलैत का हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए अहल बैत का चाहने वाला जो भी हो उसका हम पर एक हक है जो भी अहल बैत का चाहने वाला उसका हम पर एक हक है याद रखें खूस अगर वह गुनागार है हम ज्यादा दुआ करें हमारी आल औलाद गुनागार हो मर जाए तो हम क्या करेंगे कहेंगे अल्लाह इसको जन्नम में डाल असल मैार है खुदा रसूल और आयम का चाहने वाला था तो इसका मतलब जन्नम ही नहीं है इसने फिस किया है उस के लिए हम इस्तवार करें बिल्कुल वैसी जैसे अपनी अपने लिए करते हैं अपनी आल औलाद के लिए करते हैं याद रखें एक वाक जो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है और जिससे पता चलता है कि अला सुबहान तला से कॉन्टेक्ट कैसे होता है बसरा की एक खातून थी उसका नाम था शाबाने कोई महफिल ऐसी नहीं थी कि जिसमें गुना हो और मोहतरमा का कोई पार्ट ना प्ले होता हो क्योंकि उनके पास कनीजें भी थी गुलाम भी थे गाने वाले भी थे बजाने वाले भी थे ये पूरा उनका समझें पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड या पूरा ऑर्केस्ट्रा साथ चलता था उनके सवारियां कनीजें गुलाम घोड़े गाड़ियां कोई महफिल ऐसी नहीं थी कि जहां उनके जरिए से जो है वो गुना ना होता हो एक दिन मोहतरमा अपनी सवारी पे सवार शहाना तरीके से कनीज़ गुलाम साथ पता चला कि घर के आगे मजमा लगा हुआ है बिल्कुल वो सिलसिला के जो समझे अरब दुनिया में या हमारे यहाँ ईस्टर्न कंट्रीज़ में होता है कि मजमा लगाए तो ऐसा लगता है घर में मौत हो गई है मजमा लगा हुआ से लोग बाहर खड़े थे कुछ आ रहे थे जा रहे थे दरवाज़ा खुला था तो उसने रो का देखो कोई क्या हुआ है कोई मर गया है कुछ क्या हुआ है तो एक कनीज़ गई वो नहीं आई दूसरी कनीज़ गई नहीं आई तीसरी चौथी कनीज़ गई वो भी नहीं आई बिल आखिर एक को उसने कहा जाओ और जाके देखो और बताओ आखिर क्या हुआ है तो कहा कि एक आलम है वो नसीहतें कर रहे हैं उसने कहा मैं भी जाके सुनूं ये भी गई तो पता चला कि वो अल्लाह सुबहाना वत की रहमत को बयान कर रहे थे अजाब खुदा व तबारक व तौ को बयान कर रहे थे और फरमा रहे थे कि अल्लाह सुबहाना व तौर जो है वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है और ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है यहाँ से मोहतरमा ने फरमाया ए शेख अगर मैं इस्तार करूँ तो क्या खुदा मेरे गुनाह माफ़ कर देगा तो शेख साहब ने फरमाया हां बीबी खुदा तुम्हारे गुना माफ कर देगा अगरचे तुम्हारे गुना शावाना जितने ही क्यों ना हो शावाना से कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारे गुना माफ कर देगा अगरचे शावाना जितने ही क्यों ना हो क्योंकि बदतरीन औरत उसे उनकी क्या तस्वीर था कि शावाना बैठी है पर्दे के पीछे शावाना ने कहा या शेख मैं शावाना हूं खुदा माफ करेगा मुझे उन्होंने कहा कि बिल्कुल माफ़ करेगा अल्लाह की जानब पलट जाओ तोबा तो नसूआ अल्लाह की जानब जाओ ऐसी कि दोबारा वापस ना आओ उस शाहबाना ने कहा कि मैंने तोबा की अल्लाह की जानब मैं बढ़ गई अब मैं वापस नहीं पलटूंगी अहकाम पूछे बताया कि जितना माल हराम का है वो लोगों का था तो उनको वापस कर दो और अगर न, नहीं मालिक का पता तो उसको सदक़े में दे दो शावाना ने सब कुछ दे दिया हत्ता जिसम के कपड़े भी उसके हलाल के नहीं थे वो भी लोगों से ले के पहने फिर एक वक्त आया कि बसरे में वो याद खुदा की महफ़िल करती थी लोगों को याद खुदा दिलाती थी और हत्मा उस महफ़िल में गिरिया करते थे तो गुनाहगार कब वली बन जाए नहीं मालूम हमें गुना से नफरत करनी है उससे भी नफरत करनी है इस गुना की वजह से लेकिन यह तसव्वुर करना कि वो अभी जहन्नम में जा रहा है मैं बिल्कुल इधर जन्नत में जा रहा हूं ऐसा कुछ नहीं है हमें यहां पना मांगनी चाहिए कि अल्लाह तू मुझे अच्छा ही रख और जन्नत में ले जा यही वजह है कि हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि मैंने साठ उलमा से सवाल किया अलग अलग महफिलों में कि अगर एक दुआ का अल्लाह मौका दे और उसके बाद कहे कि इसके बाद कोई दुआ कबूल नहीं होगी तो आप क्या फरमाएंगे तो फरमाते हैं कि सबसे अलग अलग सवाल सवाल हुआ था और यह सालों में हुआ था कहते हैं सबका एक जवाब था कि अगर ऐसा हुआ कि, कि अल्लाह यह फरमाए कि एक दुआ कबूल होगी आखिरी दुआ कबूल होगी फिर कोई दुआ कबूल नहीं होगी अलबत्ता ऐसा है नहीं फर्ज की बात है यानी सवाल यह करना कि आपके नजदीक कौन सी दुआ अहम है तो फरमाते हम ये कहेंगे हमारी आकबत ये जो हम नमाजें पढ़ रहे हैं ये जो हम आजादारी कर रहे हैं ये जो हमने हज किया है उम्रा किया है ये जो डाड़ियां हैं ये जो ये सब कुछ है ये एक लहजे में जाया हो जाता है एक लहजे में जाया हो जाता है इसके लिए अल्लाह से पना मांगनी चाहिए कि अल्लाह अगर तूने मेरी किस्मत में इम्तान रखे तो मुझे इम्तहान में कामयाब कर दे अगर मुश्किल रखी है तो मुश्किल पर सब्र की तोफी खतः फरमा कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरा बाकी हो जाऊं सेकंड लगते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। बस अल्लाह से अगर कांटेक्ट करना है तो क्या तरीका है दुआ कौन सी दुआ दौा? दुआए को बेहतरीन दुआए जोश कबीर उससे बेहतर कोई दुआ का वजूद नहीं है अल्लाह का इंट्रोडक्शन दुआ जोश कबीर से बेहतर कहीं नहीं मिल सकता दुआ कौन सी दुआ हत्या जबान पर लाने की भी ज़रूरत नहीं है एक दफ़ा तस्वुर करें ये कायनत का मालिक काफ़ी है अल्लाह तू उन्हें मुझे बनाया और मैं तुझसे पीट मोड़ के भाग गया मैं आना चाहता हूँ यहाँ पे रिवायतों में दुआओं में नकल हुआ हल अब्दुल आबिक अला मौला हो आया फरार किया हुआ ग़ुलाम अपने आका के अलावा कहीं और जाए नहीं हम फरार कर गए थे अब दोबारा वापस आ रहे हैं तो ये जो एक दफ़ा तसव्वुर किया अल्लाह व तआला का ये कॉन्टेक्ट है ये दुआ है बिल्कुल ऐसे ही कॉन्टेक्ट करना है हमें किससे अम्बियाल से, से खसूस रसूल अल्लाम से और आयम सल्लाम से और खसूस अपने ज़माने के इमाम इमाम हज़रत हजतबिन हसन अस्करी मेहंदी से अब अल्लाह से कॉन्टेक्ट के बारे में जो एक मौजूद खुद मुझे पसंद है बहुत ज्यादा लेकिन बाजा मोमनिन को सख्त लग जाता है लेकिन वाखन उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई मार्फत खुदाबंद तबारक वाला यानी जब अंदाजा लगाना हो कि हम अल्लाह से कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं तो अगर हमने यह सोचा है कि वह हमारा खालिक है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हम क्या और हमारा खालिक कौन सी बड़ी बात है अल्लाह किस किस चीज का खालिक है उसकी मार्फत के लिए जो लफ्ज मुझे अच्छा लगता है यानी वाकन बड़ा अच्छा लगता है वो एक समझें एस्ट्रोनॉमिकल मेजरिंग वर्ड है जैसे इंच होता है फिट होता है माइल होता है ये किसके हैं फिजिकली हैं। एस्ट्रोनॉमी में जो एक मेजरिंग वर्ड है वो क्या है लाइट ईयर लफ्ज लाइट ईयर जो है वाहन मुझे बहुत अच्छा लगता है मार्फत खुदा बंद तबारक वाले के लिए इससे बेहतर वर्ड किसी भी साइंसेस में नहीं है इससे बेहतर लफ्ज याद रखें जितने उलू इंसानी है इससे बेहतर कोई लफ्ज़ नहीं है अभी कुरान में ना ले है कोई हमारे तो लोग फौरन कहते हैं मौलाना कुरान को कह रहे हैं हदीस को ना हम बात हैं जितनी साइंसेज हैं फिजिक्स केमेस्ट्री है बायोलॉजी है जोलॉजी है बॉटनी है या हजार कस्म की चीजें मेटलर्जी है यह है वो इससे बेहतर कोई वर्ड नहीं है इसके जानते है, माना क्या है लाइट ईयर के माना क्या है इसके बाद हम तस्वर करेंगे उस खुदा से हम लड़ते हैं उस खुदा से हम झगड़ते हैं उस खुदा की इतात करनी है उस खुदा की याद करनी है लाइट ईयर के माना ये होते हैं कि एक सेकंड में लाइट सफर करती है वन लैख एटी सिक्स पॉइंट टू हंड्रेड एंड एटी सिक्स कह देते हैं राउंड में एक सेकंड में वन लैख एटी सिक्स थाउजेंड माइल एक मिनट में कितनी होगी कोई मल्टीप्लाई करे इसको कहा गया जाएगा वन लाइट मिनट इस, इस नतीजे को मल्टीप्लाई करें 60 से तो निकलेगा एक घंटा इस एक घंटे को मल्टीप्लाई करें 24 से तो निकलेगा एक दिन इस एक 24 को मल्टीप्लाई करें तीन सौ पैंसठ पॉइंट समथिंग से पॉइंट एट समथिंग से तो नतीजा निकलेगा वन लाइट ईयर वन लाइट ईयर लिख नहीं सकते कोई लिख के दिखाया अभी उसके लिए फिगर यूज करनी पड़ती है करीब तरीन जो हमारा सूरज है वो फोर लाइट ईयर के बराबर है इस वक्त बात सिग्नल मिले हैं कि जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा है सेवन मिलियन लाइट ईयर के फासले से कुछ सिग्नल मिले हैं मखलूक के कि जिनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है कि ये वाकन बनाए हुए हैं या बन गए हैं सेवन मिलियन लाइट ईयर के फासले से सिग्नल आए हैं ये वाला मौजूद इतफ़ाक़ से हैदर टी वी पर दो तीन नशस्तें हमने की थी हज़रत आदम से पहले एलियंस के बारे में इन कभी मौका मिला तो इसको जो है किसी अशरे में रखा जाए तो पता चलता है कि इस कायनात की वसत क्या है अब तक हमारे पास मिल की वे की भी पूरी फोटो नहीं है एक खातून ने दो साल पहले दावा किया था ज़ाहिरन टू टैरा बाइट की या कितनी जो है सात हज़ार के पता नहीं कितनी एक फिगर था भूल गया हमें उसने दावा किया था कि ली है वजह क्या है कि इस मिल्की वे के भी एक हिस्से को देख सकते हैं बाकी को तो हम देख ही नहीं सकते किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते अभी लाइट जो है याद रखें यह हमारा सोलर सिस्टम है यह हमारी जमीन है जमीन के बाद सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम के बाद हमारी गलेक्सी गलेक्सी के बाद जो है हजारों लाखों गलेक्सियां 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 कितनी तादाद है कुछ नहीं पता और रवायात अहले बैत ये एक बेहतरीन मौजू है हजारों लाखों इन सितारों सारों में अल्लाह व सुबहाना की मखलूकत है उनमें से एक हम हैं हमारी जमीन जो है वो ऐसी है जैसे कि समंदर के पास खड़ा हुआ एक जर्रा आप खड़े होकर जर्रा उठा इस जर्रे को फोकस करें कि यह जमीन है इसमें मैं हूं मुझ जैसे सात आठ अरब इस वक्त हैं और ऐसे अरबों खरबों इस जमीन में आके जा चुके हैं रवायात तो अहल इस जमीन में यानि इस जर्रे को फोकस करें कि ऐसे हजारों आदम आके जा चुके हैं आदम ना कि आदमी ये एक हजरत आदम थे जो हमारे जद हैं ऐसे हजारों आके जा चुके हैं ये जमीन कोई नई चीज नहीं है आप तस्वुर करें कि वो अल्लाह कौन सा अल्लाह अभी भी नहीं समझ में आ सकता अल्लाह की असल मार्फत नहीं होती किसी को भी मजहब अहल बैत का आप जानते हैं कि अहम तरीन मौजूद क्या है अल्लाह की मुकम्मल मार्फत किसी को भी नहीं हो सकती ये मुमकिन है बाज ममिन को झटका लगे हत्ता किसको हत्ता रसूल अल्लाह को मुकम्मल मार्फत क्या मुराद अगर मुकम्मल मार्फत का दावा करें तो अल्लाह महदूद हो जाएगा बल्कि मजहब हक्का का जो नजरिया अहबैत का वो क्या है कि मार्फत खुदा में दिन ब दिन हत् रसूल अल्लाह के भी इजाफा हो रहा है और होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा रहे 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 हो। कभी भी खत्म नहीं होगा क्योंकि खुदा खत्म होने वाला नहीं है सलवा पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वो खुदा इर्शाद फरमाता है जो रिवायत में नकल हुआ लोअमुदर कैफा इश्तियाकी बेहिम लमाव शौका अब आप तस्वुर करेंगे वो अल्लाह पैगाम दे रहा है रसूल अल्लाह और आइम्मा के जरिए से हमें लोअल मुदबेरून अगर मुझसे पीठ मोड़ के भागने वाले ये जान जाएं कि वो अल्लाह इनसे मुलाकात का कितना इश्तियाक रखता है तो ये मेरे इश्तियाक में और इस शौक दीदार में मर जाएंगे हम भाग रहे हैं अल्लाह सुबहाना कह रहा है कि ये भागने वाले अगर जान जाएं कि मैं इनके साथ मिलने का कितना मुश्ताक हूं वो मिलना क्या है वो मिलना यही है कि कभी कभी इंसान बैठे या अल्लाह, लंबी दुआ की जरूरत नहीं है हो बहुत अच्छा है कोई मना नहीं कर रहे कोई हो दुआ कुमैल पढ़ने वाला और उस दुआए कुमैल में पूरे अव्बल से आखिर तक अल्लाह को याद रखने वाला हम तो नहीं है हम तो कभी शर्क में जाते हैं कभी गर्भ में जाते हैं हम तो यहाँ बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत इल्म है थोड़ा कपड़ा ज्यादा है इधर उधर बाकी हमारा कोई दावा नहीं है अगर कोई इतनी लंबी दुआ में अल्लाह को याद नहीं रख सकता तो याद रखें जिस हाल में बैठा है थोड़ी देर के लिए तस्वुर करे कि ये कायनात के जिसकी हद तो हदूद नहीं है जिसका कोई टाइम नहीं है जिसकी कोई हद नहीं है कोई हदूद नहीं है ये सब का मालिक है सब का राज़िक है सब का खालिक है मुझ जैसी हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों मखलूक़ के जिनको गिना नहीं जा सकता आईं और आके चली गईं वो मुझे याद कर रहा है बुला रहा है वो चाह रहा है कि मैं उससे बात करूँ और बात करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है बस एक दफ़ा कहना है या यह है दुआ अब आप तस्वुर करें कि जो अंबिया को इश्क है अल्लाह को याद करने का वो इश्क इस वजह से है कि उनको अंबिया की मार्फत है अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिल जाए या किसी को कोई अच्छी फिल्म नजर आती है नींद आती है क्रिकेट वाले को नींद आती है किसी को कहा जाए कि फुटबॉल टीम आ रही है मिसाल के तौर पर टिकट मिल रहा है ऑनलाइन का चक्कर नहीं है फिजिकली जाके लग रहा है तीन दिन के बाद मिलेगा आप यकीन जाने तीन दिन लोग लाइन में लगते थे पहले इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जब फिल्म रिलीज होती थी तो उनकी ये फजीलत होती थी कि पहला शो हमने देखा है पाकिस्तान में भी ऐसे थे ये ऑनलाइन की बरकतेंगे फजीलतें खत्म हो गई और उनको नींद आती थी उसके बाद ना मार्फत है उसकी इश्क में डूबे हुए हैं उसके अब सारी तवज्जो उसी की जाए मजाल है जो नींद आ जाए हां याद खुदा होती है तो नींद आती है यही वजह थी कि आया अंबिया को दर्द नहीं होता ये जो हम समझते हैं कि याद खुदा में अंबिया को दर्द नहीं होता ये गलत है ऐसी बात नहीं है जनाब सैदा सलाम के बारे में है कि जब वो महराब इबादत में खड़ी होती थी तो सुबह उनके वरम होता था लेकिन इश्क खुदा ऐसा था कि इस वरम का एहसास नहीं होता था कमर में दर्द होता था दर्द का एहसास नहीं होता था मौला अली के जब तीर लगता था तो उनको दर्द होता था लेकिन जब वो सजदे में जाते थे तो निकाल लिया जाता था मामला ये नहीं है कि उन्हें दर्द नहीं होता था मामला इश्क ऐसा उन्हें खुदा से था कि पता ही नहीं चलता था क्या हुआ रिवायतों में नकल हुआ कि हजरत मरियम सलाम से हजरत ईसा सलाम ने सवाल किया कि मैं मुर्दे को जिंदा कर सकता हूं आप जिंदा होना चाहेंगी उन्होंने कहा ना लेकिन अगर जिंदा होना चाहती हैं तो क्यों जिंदा होना चाहती हैं तो आप जवाब सुने हजरत मरियम का तो पता चलेगा हजरत मरियम हजरत मरियम क्यों है अब हजरत मरियम कहां की है फलस्तीन में फलस्तीन उस जमाने में भी ठंडा था बर्फबारी होती थी लिहाजा उनके जवाब में भी यही मौजू आ रहा है फरमाती हैं और गर्मी भी होती थी सवाल करते हैं कि अगर आप जिंदा होना चाहती तो क्यों चाहती तो फरमाती हैं कि अगर मैं जिंदा होना चाहती तो इसलिए जिंदा होना चाहती ताकि अल्लाह के लिए सर्द रातों में इबादत के लिए खड़ी हूं और अल्लाह के लिए गर्म दिनों में भूखी प्यासी रहूं रोजे रखू ऐसा नहीं है हजरत मरियम को भूख नहीं लग रही प्यास नहीं लग रही ऐसा नहीं है हजरत मरियम को वजू करने के लिए हाथ धोने के लिए बर्फ का पानी ठंडा नहीं लग रहा अब अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो उनकी ही कुछ नहीं है असल मौजूद है मार्फत खुदावन तबारक वाल मार्फत उनको ऐसी है कि खुदा में गर्क है वही मार्फत जब नसीब होती है कि अल्लाह का शुक्र है हमें से कितने लोगों को अहलम की मार्फत है हम गुना कर लेते हैं लेकिन अगर कोई कहें कि अहिल को छोड़ दो एक अरब डॉलर दूंगा छोड़ेगा कोई नहीं छोड़ेगा इसका मतलब है कि हम भी अच्छे हैं ऐसे बुरे नहीं हम भी कभी कभी फिसल जाते हैं लेकिन ऐसे नहीं है कि अल्लाह रसूल और आयमा को छोड़ दें लेकिन लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह रसूल आय्मा को छोड़ देते हैं बस अपना अगर हिसाब करना हो तो यह देखें कि जो हमसे कोताहियां हो गई इन शाह वो माफ हो जाएंगी असल मौजू यह खुदा रसूल और आय् का एहतराम कम नहीं होना चाहिए अगर कोई हराम काम कर लिया तो कर लिया इस्तवार करनी चाहिए असल मौजू यह देखना चाहिए कि दुश्मन ने अहल बैत से कहीं मोहब्बत तो नहीं हो रही कि जो शराब से और हर गुना से बदतर चीज है और यही वो इश्क है कि इमाम हुसैन के लिए भी नकल हुआ असहाब इमाम हुसैन के लिए भी नकल हुआ कि मसायब बढ़ते चले जा रहे तो चेहरा रोशन से रोशन हो रहा था वजह क्या है कि जान रहे थे कि अब हम कत्ल होने जा रहे हैं उसके लिए कि जो ला है हम करीब होने जा रहे हैं उससे कि उससे बेहतर कोई शे कायन में नहीं है ले सका मिस शय कोई नहीं है उस जैसा यही वजह थी कि मौला आमिर उलमन रातों को सजदा कर रहे हैं किसका सजदा कर रहे हैं क्या लुत्फ आ रहा है क्योंकि उससे कॉन्टेक्ट में है कि जिससे कांटेक्ट में आने के बाद फिर किसी को कुछ नजर नहीं आता अगर नजर भी आता है तो आप जानते हो क्यों नजर आता था यूं नजर आता था कि उसका हुक्म था कि यह काम करो यही इश्क था जनाब मुस्लिम इबन अकील को उमूमा पहली मुहर्रम को जनाब मसलि अकील के मसायब पढ़े जाते हैं जनाब मस्लि इबिन अकील की फसीलत ये थी कि वो गर्क थे खुदा में और उसी खुदा में गर्क होने का नतीजा क्या था कि वो गर्क थे रसूल अल्लाह में गर्क थे मौलानी में और गर्क थे इश्क इमाम हुसैन में यही वजह है कि इमाम हुसैन ने उनके लिए इरशाद फरमायाज़ी जो खत है मिन हुसैन अली हुसैन फकीन अली की जानब से है एक फ़की की फ़की की फकीब ऐसे फर्द की आइम्मा की मार्फत रखता है यही मार्फत नजर आती है अब्बास में कुछ रिवायत में जियारत में जिक्र हुआ असल फजल्बास अबन अमीर वाल हुसैन यही मकाम है और यही इश्क है हज़रत मुस्लिम अकील को अल्लाह एक वक्त आया कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील से बैत की गई जब बैत का मौजू आए तो याद रखें कोफा के हालात कोई आम हालात नहीं थे बड़े आराम से लोग कोफा कोफा कह देते हैं कोफा वो शहर था जो खलीफा दोबम ने आबाद किया था खूफा वो शहर था कि जब जोजा रसूल ने मौलान के लिए जिंदगी तंग कर दी और जिस वक्त माविया ने वहाँ से फ़ौजें खड़ी कर दी तो अब इस छावनी वाले शहर में मौला अमीर मौला अमर उमाम को आना पड़ा और ये वो शहर था कि जब तरावी की मौला अमीरली अमीर मौमिन ने मखालफत की तो खुद मौला अमीर उमाम की मखालफत हुई क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे कि जिनको शि अली कहा जाता है वो शीन अली बे मुकाबला शि माविया यानि माविया की फ़ौज के मुकाबले में मुसलमानों की फ़ौज के जो अली की क़्यादत में थी वहाँ वो शी नहीं थे कि जो अली को पहला इमाम मानते थे वहां पर उस वक्त भी उन शियों की तादाद कम थी लेकिन 20 साल के बाद वह तादाद इतनी कम हो गई कि मुकाबला की छावनी के तीस हजार फौजी अपनी फैमिलीज के साथ गूफे में रहते थे जिनका खर्चा और जानवरों का चारा भी और उसका खर्चा भी आता जानवरों के चारे का खर्चा भी आता था दमिश से गुफा शहर ऐसा नहीं था कि उसको कहा जाए कि अहलबैत के चाहने वाले थे वहां पर कलील तादाद थी और खसूसन वहां पर जब हुकूमत रही इबन जयात की उसकी पॉलिसी थी कि सरतन से जुदा करो गली में लाशों को खींचो और दरवाजों चौहराओं पर सरों को टांग दो जब जनाब मसले में तो हालात यह थे कि माविया की गलत पॉलिसीज अब बीस साल गुजर चुके हैं लोग माविया को भुगत रहे माविया की गलत पॉलिसीज और यजीत की बैत की वजह से एक तादाद इनके खिलाफ हो गई थी एक तादाद ऐसी थी जो इमाम हुसैन को इमाम मान रही थी एक तादाद ऐसी थी जो कह रही थी कि आपको कोई चारा नहीं है आप आइए, उनमें असहाब भी थे ऐसे में युहन्ना दमिश्की ने जो ईसाई था और माविया का मुशाविर था उसने यजीद को मशवरा दिया कि इस वक्त अगर कंट्रोल करना है कोफा को तो उबैदुल्लाब ने ज्याद को बसरे से कोफे की जानब भेज दो अब जब उबैदुल्ला इबन ज़ियाद आया तो लोगों को ज़ियाद का जमाना याद आ गया जो सरतन से जुदा करके लोगों को कंट्रोल करता था यही पॉलिसी थी इबन ज़ियाद उबैदल इबन ज़ियाद की और लोग जानते थे कि बसरे में उसने ऐसे ही कंट्रोल किया है और अभी कुछ दिन पहले वो कत्ल करके जिस्म को गलियों में खींच चुका है और सर को चौराहे पर टांग चुका है हुसैन के एक सफीर के सर को कि जिनका जिक्र हमारे यहां नहीं होता और उनका नाम था जनाबे सलेमान बन अबी रजीन के जो इमाम हुसैन के सफीर थे नामा लेके गए थे कहाँ पर बसरे में उनकी शहादत तहरीक करबला की पहली शहादत है वो शहीद हुए उसके बाद उबैदल इबन जयात को यजीद मलून हबीस ने बसरा की गवर्नरी के साथ साथ इनके कत्ल के बाद अब कांप सौंपा है कूफे की गवर्नरी का और कहा है कि अब जाके कूफे को भी कंट्रोल करना है और यहां से प्रोपगंडे का सिलसिला शुरू हुआ के फौज आ रही है शाम से और उबैदल्ह इब् जियाद भी आ रहा है यहां तक के प्रोपगंडा किया गया कि हुसैन अब अली आ गए जब इमाम हुसैन के इस्तकबाल के लिए लोग आए और जरा मुस्लिम इबन अकील मना करते रहे कि हुसैन इबन अली अभी रास्ते में है यह इमाम हुसैन नहीं है और उसने अपना चेहरा ढाका हुआ था और लोग इस्तकबाल के लिए आए सबको देख लिया दारुल अमारा के पास पहुंच के उबैदल इबन जियाद ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो उस वक्त सन्नाटा छा गया और वो वो मरहला था कि प्रोपगंडा हुआ कि जाने लगी बीवियां को ले जाने लगी माए बेटों को ले जाने लगी बाप बेटों को ले जाने लगे एक लहजे में पूरा पासा पलट गया कूफे का और जो शियाने अभी तालिब थे जैसे जनाबे मुस्लिम इबनेजा उनको छुपना पड़ा जनाबे मुख्तार को कैद कर लिया गया ऐसे हालात बदले के जनाब मुस्लिम अपने अकील तन्हा रह गए यह था तन्हाई का राज यह जो हमारे यहां बड़े आराम से अहले खूफा अहले खूफा कह दिया जाता है बाज दफा यह चीजें दुश्मनान अहले बैत के फेवर में जाती हैं हमें बताना चाहिए कि अहले खूफा और कोफे की पॉलिसी पॉलिटिक्स क्या थी उस वक्त एक लाख से ज्यादा घर थे उस वक्त माजरत एक लाख से ज्यादा लोग थे उस वक्त जिनमें तीस हजार तो फकत फौजी थे किसके बनू मैया के अहलैत के।, के चाहने वाले कलील थे ये जो कहा जाता है दगा दे दिया दगा देने वाले नहीं थे कुछ कर नहीं सकते थे एक बहुत बड़ी तादाद में गो के उनकी मजम्मत की लेकिन बुलाने वाले कौन थे बुलाने वाले असहाब थे खूबसन जनाबे सलेमानबन सुरद हवाई कि जिन्होंने बाद में मदद ना करने की वजह से क्योंकि नब्बे साल से ज़्यादा के थे उसके बाद कयाम तवाबीन की इब्ता की और अपनी जान दी उनके साथ लोगों ने जान दी तो जना में मुस्लिम एक वक्त आया कि तनहा रह गए इस चीज़ को हमने इस वजह से बयान किया कि बाज दफ़ा इन मसाइब की वजह से शक पड़ता है गो के बाद में याद रखें इसको बयान करें पहले बाद में याद रखें कि यही अहल कोफा वाक करबला के बाद इतनी तेजी से तशै फैली थी कि वह फिर शियों का मरकज हो गया था लेकिन शहादत इमाम हुसैन के वक्त वो शियों का मरकज खत्म नहीं था इमाम हुसैन की शहादत के कई साल के बाद से वो शियों का मरकज हुआ फिर अक्सर असहाब और हता अक्सर शहदाय करबला का ताल्लुक कोफे के आसपास से था एक वक्त आया कि जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए एक वक्त आया कि जनाब मुस्लिम भूख और प्यास की शिद्दत में निढ़ाल के घर के पास जाके बैठे ये खातून ने दरवाजा खोल के एक जवान को देखा ये बुजुर्ग खातून अपनी औलाद की तरह से इनसे मुखातब के पूछा कि बेटा हालात खराब हैं अपने घर की जानिब जाओ तो उन्होंने फरमाया जिसका घर ना हो तो कहाँ जाए कहा कि तुम किसी और शहर के हो तो कहा कि मैं हिजाज का हूँ कहा कि हिजाज में कहा कि तो कहा मदीने का मदीने में किस कौम के कबीले के तो कहा बनी हाशिम का ये खातून समझ गई तो मसले में अपने अकील हो अपने घर में बुलाया घर में बुला के बिठाया और जनाब मुस्लिम इबन अकील भूख और प्यास में मुबला लेकिन याद खुदा में महब हो गए जानते हैं कि क्या होने वाला है लेकिन वो रात उस इश्क के खुदा में गुजारी कि जिस खुदा का एक हल्का सा तारुफ हुआ कि जो कायनात का मालिक है एक वक्त आया कि इन खातून का बेटा आ गया और बाद जगह बयान हुआ कि दामाद आया बहुत छुपाना चाहा इन्होंने लेकिन वो अंदर आ गया एक वक्त आया कि जनाब मुस्लिम इबन अकील की उसे आवाज पहुंची जाके उसने उबैदल इबन जयात को खबर दी एक वक्त आया कि फौजें आने लगीं जनाब मुस्लिम इबन अकील घर से बाहर निकले घर से क्यों बाहर निकले दिल ये कहता है कि वो जनाब सैदा के घर की हरमत को पामाल होता हुआ देख चुके थे शायद उन्होंने ये मुनासिब ना समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मोमना के घर की हरमत पामाल हो एक वक्त आया कि आप तलवार लेके बाहर निकले एक वक्त आया कि मुकाबला होने लगा फौजों पर फौजें आने लगीं उबैदल अब ने भी कहा कि एक शख्स से लड़ने के लिए इतने लोग तो जवाब मिला कि यह अली का भतीजा है यह अकील का फरजंद है इसमें जोश जोश हाशमी है ये फर्जंद और इब्राहिम है हाँ मोमिनो एक वक्त आया कि जनाब मुस्लिम ने मुकाबला किया मुकाबला करते रहे लेकिन क्या करते कभी तीर भी लगे कभी तलवार के वार भी हुए खून भी बह रहा था एक वक्त आया कि दीवार का सहारा लिया बाज जहा बयान हुआ कि एक ताक बना था वहां बैठे फिर एक तलवार का पीछे से वार हुआ अब समल न पाए जमीन पे गिरे हाथ पांव को बांध दिया गया अब उनके सर से भी खून बह रहा है होठों से भी खून बह रहा है इस आलम में ले जाया गया ज्यादात के दरबार में आपने सलाम नहीं किया लोगों ने कहा कि तुमने अमीर को सलाम नहीं किया तो आपने जवाब दिया कि मेरा अमीर सिर्फ हुसैन है अजरक मलल्ला अब यहीं से आपने जियारत की सुन्नत डाली असलमया अब और उसके बाद कहा के मेरी वसीयत है हाथों को बांध हा, के, 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 के तलवार का वार किया जिसमें अथर जमीन पे आया चेहरे के बल जमीन पे आए अभी दम भी ना निकला था सर तन से जुदा कर दिया गया गली कूचों में जनाजे को को फिराया गया सर को दारुल अमारा पे कभी बुलंद किया कभी गली को कूचों में फिराया गया नौके नेजा पे बुलंद करके फिर चौराहे पे टांग दिया गया या जनाब मुस्लिम इब्न अकील आप चेहरे के बल जमीन पे गिरे करबला में अब्बास के बाजू कलम होके वो भी चेहरे के बल जमीन पे आएंगे या जनाब मुस्लिम इब्न अकील अभी आपका दम निकला के सर तन से जुदा हुआ हुसैन का भी सर तन से जुदा होगा लेकिन इस आलम में के सीने पे पे शिमर सवार होगा एक हाथ में खंजर होगा दूसरे में रीश मुबारक होगी निगाहें कहा होंगी आपकी निगाह तो दिल ये कहता है कि हुसैन की जाने भी थी लेकिन हुसैन की निगाह या जनाब मुस्लिम किस तरह से तसल्ली दे हुसैन की निगाह जनाब जैनब के खेमे की जाने भी थी आपको बहनों बेटियों की चादरों को खौफ न था लेकिन हुसैन का जब सर तन से जुदा हुआ तो के खेमे के जलने का खौफ था जैनब और उम्मे कुलसूम की चादरें छिनने का खौफ था सकीना रुकैया के तमाचों का खौफ था मातम हुसैन